सो गैस कुछ दिन पहले अभी अल्ट की स्पंक आई थी सेल पे 1500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। एक मतलब बहुत ही अच्छा बेंचमार्क सेट कर दिया, बहुत ही कम प्राइस ब्रैकेट में आपको सारे के सारे फीचर, गेम्स, कैलकुलेटर, कैलेंडर, स्टॉक मार्केट, सब कुछ। मतलब स्पंक प्रो की एकदम कॉपी आई थी, इसका मैंने अनबॉक्स रिव्यू किया था। बट अभी बीट एक्सपी की एक्सपी फ्लक्स आ चुकी है, मतलब सेल पे है 1399 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। अब गैस यहाँ पे इस वीडियो में कुछ आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगा, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या ये और वो सिमिलर हैं, क्या कुछ डिफरेंस है, क्योंकि उसमें भी रोटेटिंग क्राउन मिलता है बट आपको मिडल में मिलता है इधर की साइड से। इसमें आपको रोटेटिंग क्राउन के साथ एक बटन भी मिल जाती है, तो ज़्यादा ये मतलब ईज ऑफ एक्सेस बेटर हो जाता है क्योंकि आप स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो डायरेक्टली इस बटन से। एल्युमिनियम केसिंग इसमें भी, एल्युमिनियम केसिंग आप उसमें भी देखने को मिल जाती है। उसका जो डायल साइज है वो भी इतना ही मिलता है, बट उसमें जो डिस्प्ले साइज है थोड़ा सा छोटा है, 1.43 इंचेस का, और इसमें 1.45 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, और थिकनेस में ये थोड़ी सी मोटी है। मतलब आप अगर कंपेयर करो बीट एक्सपी जो फ्लक्स है उससे अगर इसको स्पंक हो, तो ये थोड़ी सी मोटी लगती है उससे। बट गाइज यहाँ पे आपको सारी की सारी एक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। बहुत सारे लोग बाय करने का सोच रहे हैं फ्लक्स को, तो मैं बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वैसे आप जाके बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आप जान लो बाय करने से पहले, ठीक है। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। जो बीट एक्सपी फ्लक्स है ना आपकी, यहाँ पे है अमेजोन पे सेल पे 1399 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बेसिकली, है ठीक है। ये आप समझ सकते हो लुक और फील इसका सेम स्पंक की तरह है, बट इसमें एक ही सिंगल बटन मिल रही है आपको, रोटेटेबल है ये, फंक्शनल क्राउन के साथ आती है। वॉच फेस अप टू 10 मिल जाएंगे, और यहाँ पे कॉलिंग फीचर मिलेगा, सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ ही वॉच आपको मिलती है, ठीक है, और इंस्टेंट नोटिफिकेशन सब कुछ इसमें है। बट इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले प्राइसिंग, इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है, यस, इसका प्राइसिंग 1399 बहुत ही अच्छी डील बन जाती है बेसिकली। एंड गाइस सेकंड थिंग आपकी बताऊँ इसकी प्लस पॉइंट क्या है, इसका प्रीमियम बिल्ड मेटेलिक बिल्ड के साथ आती है, और सेकंड में ही हम कॉलिंग फीचर भी जोड़ देते हैं जो कि सिंगल बिल्ड चिप कनेक्टिविटी के साथ आती है वॉच, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है आपका जो इसके प्लस पॉइंट में जुड़ेगा वो है आपका इसका रोटेटेबल क्राउन, यस, इसमें रोटेटेबल क्राउन मिल जाता है आपको। फोर्थ थिंग है इसका 60 हर्ट्ज़ का सैम्पल रेट, तो 60 हर्ट्ज़ का सैम्पल रेट काफ़ी अच्छा है इसमें, जो कि मतलब अभी तो एमोलेड वॉचेस में मिलता है बट अब यहाँ पे धीरे धीरे करके कंपनी TFT LCD पैनल में भी डाल रही है। इसमें आपको TFT LCD पैनल मिलता है, ठीक है, और ये तो चार चीज़ें उसकी प्लस पॉइंट, ठीक है। और पांचवा प्लस पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ एक बार, इसमें गेम कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको, यस, आपने इसे सुना, गेम और कैलकुलेटर मिलेगा वॉच में इटसेल्फ। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स की बात बताता हूँ इसकी। देखो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। अब गाइस इसके प्राइस ब्रैकेट में कंपनी दे भी नहीं सकती, बट अगेन कंपनी कोशिश कर सकती थी 1600 प्राइस रखती तब भी इसमें एमोलेड डिस्प्ले दे सकती थी। बट अगेन अगर एमोलेड डिस्प्ले के लिए जाना है आपको 500-600 रुपये और आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, स्पंक प्रो के लिए जा सकते हो आप, ठीक है। बीट एक्सपी वेगा के लिए जा सकते हो, काफ़ी अच्छी रहेगी इस वॉच से। बीट एक्सपी वेगा और इसमें क्या अंतर है, वेगा में ब्लैक बॉर्डर ज़्यादा दिखते हैं, इसमें ब्लैक बॉर्डर छुपा दिए गए हैं जो कि एक रिंग टाइप का प्रोवाइड किया गया है। नेगेटिव पॉइंट इसका यही हो गया कि मतलब इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती। दूसरा इसमें आपको कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वॉइस असिस्टेंट मिलता है कि नहीं मिलता, बट इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट मिलेगा। बीपी मॉनिटर का ऑप्शन भी दे रखा है इसमें एक्स्ट्रा, और इसमें स्टॉक मार्केट का ऑप्शन दे रखा है, तो ये स्पंक की ही कॉपी मेरे को लग रही है। सारा का सारा सेम मतलब डिटो इसमें कॉपी किया गया है। इसमें भी मेरे ख्याल से कैलकुलेटर, गेम्स, कैलेंडर और वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा आपको, जैसे कि स्पंक में मिलता है आपको, ठीक है, उसी की कॉपी लग रही है मेरे को। तो ठीक है गाइस 1399 में आप इसके लिए जा सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट एक ही है जो एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए था इसके अंदर, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसका, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है इसके। तो गाइस इसके लिए आप जा सकते हो, 1399 में काफ़ी अच्छी है। अगर मैं स्पंक से डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो स्पंक में एक चीज़ अच्छी है कि एक सेकंड बटन मिल जाता है, वरना सब चीज़ें डिटो सेम ही है ये वॉच, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बटन चाहिए तो आप स्पंक के लिए जा सकते हो, वरना ये वॉच काफ़ी अच्छी है 1399 में, क्योंकि स्पंक मिल रही है 1499 में, तो 100 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो सिंपल सा आप सभी के लिए अलर्ट वीडियो था, और इसकी बेस्ट बाय लिंक दो कलर शेड्स मिल रहे हैं, एक ब्लैक और एक कौन सा सिल्वर, तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।